परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारा जीवन में दिया है। हम सबको फिर से प्रभु का भजन का साथ इस टीवी के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचने में परमेश्वर ने मदद और सहायता किया है। भाइयों बहनों, आप लोगों को परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं आप लोगों के लिए कि परमेश्वर ने ये टीवी का माध्यम से आपका साथ मिलना, प्रार्थना करना, वजन से आपको उत्साहित करना, ये सेवा ये हमको दिया है। हम में से बहुत सारे लोग लेटर के द्वारा, ईमेल के द्वारा और व्हाट्सएप और फोन के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं। हम बहुत खुश हैं। बहुत सारे लोग हर जगह से, हर स्टेट से हमसे बातचीत करते हैं। हम सारे लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा चर्च, हमारा एक इंटरसेशन टीम, प्रेयर टीम, ये सारे लोग हर जगह में बैठकर आपके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दें और जरूर आपका प्रार्थना विषय हमारे साथ बताएं, लिखें, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। भाई बहनों, आज मैं आपको ऐसा एक वचन सुनाना चाहता हूं जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। क्या आप तैयार है परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, हमारे जीवन को बदलने के लिए? तो मेरे साथ आए, हम निकालेंगे बाइबल, परमेश्वर का वचन से हम निकालेंगे, एक आयत पढ़ेंगे। ये है नीति वचन 23 अध्याय उसका 7वीं आयत। नीति वचन 23 अध्याय उसका 7वीं आयत, वहां ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि जैसा वह अपना मन में विचार करता है वैसा वह आप है। इसका अर्थ है, जैसे आपका मन में आप विचार करते हैं आप ऐसा ही है। आज का मेरा प्रचार का टॉपिक, मेरा प्रचार का विषय है सकारात्मक मानसिकता। और हमारा जो मानसिकता है और वो सकारात्मक होना चाहिए। अगर हम नकारात्मक, नेगेटिव बातों के बारे में सोच कर रहेंगे, हमारा जीवन को वो बहुत प्रभावित करेंगे। इसलिए हमारा जो सोच है पॉजिटिव माइंडसेट, तो हमारा सोच है सकारात्मक तौर पर होना चाहिए। इसके बारे में आज मैं तो आपको कुछ वजन से, परमेश्वर का वजन से कुछ बातें बताना चाहता हूं। भाइयों बहनों, जैसे यहां पढ़ा है, जैसे आपका मन का विचार है वैसा ही आप है। देखो ना, जो आपका मन में आप विचार करते हैं जब आप बात करने का समय, वही आपका मुंह से आएंगे। अगर आपका मुंह से परमेश्वर का सामर्थ, विश्वास, प्रार्थना, आत्मिक जीवन, ये सारे बातें आते हैं क्योंकि आपका मन में परमेश्वर का वचन है। अगर आपका पास आपका दिल में परमेश्वर का वचन नहीं है, विश्वास नहीं है, तो क्या बोलेंगे हम? बोलेंगे हर पराजय, मुसीबत, परेशानियां, बीमारियां, पता नहीं क्या करूं, क्योंकि हमारा जड़ है परमेश्वर का वचन में है नहीं है। इसलिए भाइयों बहनों, हमारा सोच को बदलना पड़ेगा। ये जो 2023 इस साल में, क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपका जीवन में कार्य करे? क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपका जीवन को आगे बढ़ाए, एक बहुत बड़ा चमत्कार करें, आपका जीवन को परमेश्वर बहुत आशीष दे? क्या आप चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं, सबसे बड़ी जो बात आपका जीवन में आपको करना पड़ेगा, हमारा सोच को हमको बदलना पड़ेगा। अगर आप तैयार है, परमेश्वर बहुत बड़ा कार्य करने जा रहा है। मेरा जीवन का बारे में मैं बताना चाहता हूँ। कुछ समय पहले तक मैं भी ऐसे नेगेटिव बारे में सोचते थे। मेरा दोस्तों में से बहुत सारे लोग ऐसा था जो नेगेटिव हो, कुछ भी बोल दो ये तो होगा नहीं, इस प्रकार की बात कर निरुत्साह करने वाला थे। लेकिन मैंने मेरा लाइफ को बदल दिया है। मैं हर समय सकारात्मक बात, अच्छा बातें बोलना सीख लिया है। मेरा विश्वासियों को मैंने सिखाया है, मेरा परिवार को, मेरा पत्नी बच्चों को सिखाया है सकारात्मक बातें बोलने के लिए, पॉजिटिव बातें रहने के लिए। भाइयों बहनों, ये सबसे पहले जो सकारात्मक मानसिकता है, हमारा सोच हमारा जीवन को प्रभावित करता है। हम जिस प्रकार हम सोचते हैं, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा बात करने का शैली, हमारा सेवगाई, सब कुछ बदलते हैं। इसलिए हम, मेरा प्रचार में आपको कभी भी निराशा का, ऐसा कुछ दंड का, न्याय का प्रचार आपको कभी नहीं मिलेंगे। मेरा प्रचार में ये सब कुछ है, लेकिन सबसे ज्यादा मेरा प्रचार में ये मिलेगा, परमेश्वर का वचन को मानो, परमेश्वर का आज्ञाकारी बनो, आपका जीवन बदल जाएगा। देखो ना, सकारात्मक बातें, आशा का सुसमाचार, आशा का संदेश हम इस टीवी के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए हमारा मन में सबसे पहले बदलाहट हम ले आना है। सबसे पहले बदलाहट हमारा मन में हमने शुरू करना है। हम क्या सोचेंगे? अच्छी बातों के बारे में सोचेंगे, ठीक है, मृत्यु के बारे में, आत्महत्या के बारे में, वही जो मुसीबत परेशानियों के बारे में हम सोच सोच कर बैठे तो कोई फायदा नहीं है। ये सारे नुकसान में जाकर
पहुंचेंगे। इसलिए हमारा सोच में आगे हालेलुया परमेश्वर का रास्ता के लिए, परमेश्वर का आशीषों के लिए, परमेश्वर का चमत्कार के लिए, एक अच्छा आत्मिक जीवन के लिए हम सोचेंगे, ताकि हमारा जीवन, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा आगे का फ्यूचर, ये सब में परमेश्वर का कार्य पूरा हो। भाइयों बहनों, आज मैं बहुत कुछ बातें आपका सामने बढ़ना चाहता हूं। सबसे पहले हमारा छवि को, हमारा जो अपने आप को देखने का उस बात को हमको बदलना पड़ेगा। इसके लिए हम जाएंगे एक वचन, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ये है गिनती का पुस्तक 13 अध्याय। आप घर में बाद में इस अध्याय को पढ़ना, गिनती 13 अध्याय, बहुत उत्साह करने वाला एक वचन। यहां आपको देख सकते हैं परमेश्वर का दास मूसा, तो परमेश्वर का दास मूसा ने उनका 12 लोगों को, योद्धा लोग जो है, उस 12 योद्धाओं को बोलते हैं, लड़ाई करने वाला उनका सबसे सीनियर लोग, तो बुलाते हैं, बोलते हैं, देखो कनान देश परमेश्वर ने हमको हमारा वायदा का तौर पर दिया है, हम कनान देश को और जा रहा है, परमेश्वर ने यह कहा जाओ और कब्जा करो, कनान देश तुम्हारा है, इसलिए हम कनान देश कब्जा करना चाहते हैं। उस देश पहुंचने से पहले तुम लोग जाओ, तुम 12 लोग जाओ और देखो ये देश कैसे है। परमेश्वर ने कहा था ये देश में मधु और दूध ये सारे निकलते हैं, आशीषों से भरा हुआ एक देश है कनान देश, जाओ भाइयों। 12 लोग मूसा ने भेज दिया है, 12 योद्धा। आपको पता है ये 12 लोग वहां गए और कनान देश को देखा। कनान देश को देखने का बाद और ये सारे कुछ समय के बाद वापस आया, लेकिन जब वापस आया ये तो 12 लोग का झुंड है 2 भाग पर बांट दिया और 10 लोग इकट्ठे आकर कहा देश तो अच्छा है, वहां तो बहुत अच्छा अच्छी बातें, जैसे आपने कहा वो सारे बातें हैं, लेकिन उनका ऊपर कब्जा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां बहुत बड़ी जो बड़े बड़े लोग वहां रहते हैं। वहां एक शब्द उन्होंने वहां इस्तेमाल किया हुआ है गिनती में 13 अध्याय में, वो जो 10 लोग कहते हैं, उन लोगों का सामने हम टिड्डे का छवि वाला योद्धा जैसे लगा, हम टिड्डे का जैसे लगा, हम छोटा सा प्राणी का जैसे लगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि वो तो बहुत बड़ा लोग है, बहुत बड़ा लड़ाई करने वाला लोग है, उनको ऊपर कब्जा करना हमारे लिए मुश्किल है। ये 10 लोग बहुत बड़ा इसराइल का योद्धा था, इसराइल का लड़ाई करने वाला, सारे पीछे पीछे जितना भी देश है सारे देशों को कब्जा कर करा रहा है, लेकिन यहां उनका सोच, उनका मानसिकता आप देख लो, वो कहते हैं वहां तो बहुत बड़ा लोग है, हम नहीं कर सकता। लेकिन वहां 2 लोग ऐसा था जो कालेब और यहोशू, ये दोनों आकर मूसा और अपने लोगों को कहा नहीं, ये तो विश्वास ना करें, ये जो 10 लोग आपको कहा है, हमने कुछ बातें वहां देखा है, वो बोल रहा है कि पर कालेब मूसा का सामने प्रजा का लोगों को चुप कराने की मानसा से कहा हम अभी चढ़ के उस देश का अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हमें ऐसा करने का शक्ति है। देखो ना, कालेब और यहोशू, ये दोनों परमेश्वर का दास लोग वहां अलग खड़ा होकर कहते हैं इस लोगों पर विश्वास ना करें, आप लोग निराश ना हो, हम जा सकते हैं, हमारे पास शक्ति है, हम जाकर उस देश को कब्जा कर सकते हैं। भाइयों बहनों, आज इस वक्त में आपको यह संदेश आपको सुनाना चाहता हूं, आपका सोच कैसे है, क्या है आपका सोच, क्या भलाई के बारे में आप सोचते हैं, चमत्कार के बारे में आप सोचते हैं, परमेश्वर का बड़ा रास्ताओं के बारे में आप सोचते हैं, या आप बोल रहा है नहीं कुछ नहीं होने वाला। देखो, जैसे आप सोचेंगे, जैसे आप बोलेंगे ऐसा ही होगा। निधि वचन पहला जो आयत हमने पढ़ा था उसी वचन, जैसे आप सोचते हैं आप ऐसा ही है। इसलिए बहुत बड़ी जरूरत है हमारा मानसिकता को बदलें। देखो ना, कनान देश परमेश्वर ने आपको दिया है, आपका वायदा है कनान देश, वो देश को कब्जा करने के लिए सब कुछ, परमेश्वर का सारे वायदा, परमेश्वर का सारे सहायता, मदद, सब कुछ आपका है, बस केवल इतना ही है, आप वहां जाओ उस देश को लो, क्योंकि लड़ाई परमेश्वर का है। यहां इस बड़ी एक बात हमने सीखना है, हमारे लाइफ का बारे में हमने अच्छी बातें बोलना है। आपका पत्नी को देखकर आपको अच्छा कहना है, आपका पति को देखकर आपको अच्छा बोलना है, आपका बच्चों को देखकर, आपका माता पिता को देखकर आपने बोलना है। शायद आज उनका हालत थोड़ा खराब हो सकते हैं, शायद आज आपका बेटा आपका बेटी प्रभु का पास है नहीं है
उस इस संसार में पाव में फंसा हुआ है। आप ऐसा नहीं बोलना मेरा लड़का का लाइफ ही बर्बाद हो गया। आप बोलना नहीं, मेरा परमेश्वर उसको बदल सकते हैं, मेरा परमेश्वर का एक वचन काफी है, उनका एक नजर काफी है आपको बदलने के लिए, आपका परिवार को बदलने के लिए। शायद आपका पति आज शराबी है, आप विश्वास के साथ बोलना मेरा पति बदल जाएगा, उनका जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य आएगा, कल वो परमेश्वर का एक दास बनेगा। आज मैं याद करता हूं मेरा चर्च में एक विश्वासी था, और बहन आकर हर दिन प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर मेरा पति को बदल दे, वो बहुत बड़ा शराबी था। और कुछ समय के बाद उस भाई ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, आज वो प्रभु का सेवा करते हैं, बहुत शराबियों को परमेश्वर का पास वो ले आते हैं। देखो ना, कुछ समय पहले उनका पत्नी ने विश्वास किया, उनका पत्नी ने विश्वास बोला कि मेरा पति का जीवन बदलेंगे। क्या आज आपका जीवन में भी ऐसा समस्या है, ऐसा परेशानियां हैं, पारिवारिक जीवन में आपका बच्चों का साथ, हाल दूसरों का साथ ऐसा समस्या है? आज से आपका सोच को बदल दें, आज से आपका मानसिकता को बदल दें, अच्छी बातें बोले, योद्धा है लेकिन ठिड्डे वाला, हालेलुया, छवि का साथ योद्धा, क्या फायदा? यह 10 लोगों का बात, हालेलुया, लोग सुनकर निराश हो गया। बहुत सारे लोग ऐसा है, आपका बात सुनकर दूसरा निराश होते हैं, हम ऐसा प्रचार नहीं करते, हम ऐसा सेवकाई नहीं करते जो लोग निराश में पाप में और फंसे। हम उत्साह का, आनंद का, खुशी का, बढ़ोतरी का, छुटकारा का संदेश सुनाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया हम आशीष पाए, हमारा जीवन में छुटकारा हो, हमारा जीवन में शांति हो, हमारा जीवन बदले। हालेलुया, हम ऐसा योद्धा बने कालेब और यहोशू का जैसे, अच्छा बोलने वाला। हम बोलना है परमेश्वर हमारा साथ है, वो हमको शक्ति देंगे, ये जो समस्या है इसको हम पार करेंगे, ये जो दिक्कत और समस्या मुसीबत हमारा सामने है इसको हम सामना करेंगे, हम भागेंगे नहीं, हम दौड़ेंगे नहीं, हम उस परमेश्वर को महिमा करेंगे। भाइयों बहनों, कालेब और यहोशू का जैसे हमारा जीवन को हम बदले, हम उसके बाद देख लेंगे। और हमारा नया सीरीज है इस साल में, हमको सोच का अभ्यास करना पड़ेगा। मैं विश्वास करता हूं, मैंने पिछले जो एक दो संदेश में, नया साल का संदेशों में मैंने कहा है, ये जो साल आशीष का साल है, ये जो साल परमेश्वर का छुटकारा आप देखेंगे, ये जो साल आपका परिवार में जो रुकावटें थे, आपका बच्चों का जीवन में परमेश्वर हटाएंगे, आपका जीवन में परमेश्वर खुशियों से भरेंगे, क्या विश्वास करते हैं? लेकिन उसके लिए अभी आपका सोच बदलना है, अभी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। उसके लिए हर समय मेरे पास एक वचन, मैं बहुत अच्छा लगता है उस वचन, वो है मत्ती का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 16 आयत में। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह जहां भी जाते थे वहां हजारों लोग इकट्ठे होते थे प्रभु यीशु मसीह का प्रचार सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करवाने के लिए, लोग चंगाई पाए, छुटकारा पाए, आशीष पाए, चमत्कार पाए। तो एक बार प्रभु यीशु मसीह एक जगह में बैठकर सुना रहा था वचन, उनका वचन सुनने के लिए गांव गांव से, शहर शहर से लोग इकट्ठे आया, हजारों में से लोग इकट्ठे आया। वहां बाइबल में लिखा हुआ है मत्ती 14 अध्याय में, वहां कम से कम 5000 पुरुष, तो केवल 5000 पुरुष का बारे में लिखा है, लेकिन स्त्रियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग माता पिताएं हैं, सारे मिलाकर मेरे हिसाब से 15-20 हजार लोग तो है वहां। आपको पता है इतना सारे लोग बैठकर परमेश्वर का वचन सुन रहा है, सुबह से लेकर वचन सुन रहा है, अभी शाम हो गए। प्रभु यीशु मसीह का शिष्य चेले आकर प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, प्रभु आप इस लोग जाने दो, क्योंकि ये दूर दूर गांव से आए हैं, दूर दूर जगह से आए हैं, ये लोग जाने दे प्रभु, आपका जो प्रवचन आज का है वो थोड़ा बंद कर लीजिए ताकि ये लोग अपना अपना जगह में जाने दो। लेकिन प्रभु उस लोगों को ऊपर तरस का आया, प्रभु ने सोचा कि इनको कुछ खिलाकर भेजेंगे। तब चेलों से पूछा कि तुम इनको खिलाओ, चेलों ने अपना, क्या पता है शिष्यों ने अपना पेट से निकाल दिया, देखा उसमें 200 दिनार कुछ था, थोड़ा ही पैसा, मे भी 10-15 लोगों को खाना खिला सकते हैं। और कब चेले प्रभु यीशु मसीह का शिष्य प्रभु से कहते हैं, प्रभु हमारे पास तो है नहीं है, इतना सारे लोगों को कैसे हम खाना खिलाएंगे? आपको पता है यही सोच का फर्क है, हम अभी का बारे में सोचते हैं,
हम कल का बारे में सोचते हैं, हम हमारा पेट्स का अनुसार, हमारा बैंक बैलेंस का अनुसार हम सोचते हैं। परमेश्वर का सोच और हमारा सोच में कितना फर्क है मेरा भाइयों बहनों। बाइबल में लिखा हुआ है तुम्हारा बारे में, तुम्हारा जो बारे में मेरा जो कल्पनाया है, मेरा जो विचार है और फलाई के लिए है, तुम्हारा मुश्किल के लिए नहीं। और ईसाया में लिखा हुआ है तुम्हारा सोच और परमेश्वर का सोच में आकाश और पृथ्वी का फर्क है। भाइयों बहनों आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया वहां? प्रभु यीशु मसीह ने इनका जो निराशा का वचन नहीं सुना, प्रभु यीशु मसीह ने अदृश्य को देखा, अदृश्य को बुलाया और असंभवों को संभव किया। वहां क्या किया? और एक बालक था, उनका हाथ में 5 रोटी और 2 मछली था, और उस बालक ने किसी चेलों का हाथ में दिया और प्रभु यीशु मसीह तक पहुंच गया। प्रभु यीशु मसीह वो 5 रोटी और 2 मछली अपना हाथ में लिया, आसमान को और उठाकर प्रार्थना किया और परमेश्वर बहुत बड़ा एक चमत्कार किया। उस जो रोटी है वो सारे लोगों के लिए हालेलुया देने में तृप्त हुआ है। सारे लोगों ने उस रोटी को खाया और जितना लोगों ने लिया उतना उसमें वापस आते रहा। मेरा भाइयों बहनों हालेलुया, आज ये जो वचन है ये भविष्यवाणी का एक संदेश है। आपका जीवन में बहुत सारे जरूरत, लेकिन आपका पास थोड़ा ही है। बस आपका सोच को बदल दीजिए। अगर आप ऐसा बोलकर बैठेंगे बस इससे क्या होगा, ये इससे कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन अगर आप विश्वास बोल सकते हैं प्रभु यीशु मसीह वो क्या किया है, वो अदृश्य को देखते हैं, अदृश्य से बुलाते हैं और अदृश्य असंभवों को संभव करने वाला परमेश्वर है। हमारा सोच को बदलने का प्रयास करें, हमारा मानसिकता को हम बदल दें ताकि परमेश्वर का वचन हमारा साथ जल्दी काम करें। जो बंदर नेगेटिव बातें करते हैं, जो नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव प्रचार करते हैं और सारे जब भी वो गवाही बोलते हैं नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, उनका जीवन में परमेश्वर का काम करना बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि सकारात्मक तौर पर परमेश्वर कार्य करते हैं। जो लोग सकारात्मक पॉजिटिव बातें करते हैं, पॉजिटिव बातों के बारे में सोचते हैं, उनका जीवन में जल्दी चमत्कार हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर सकारात्मक तौर पर कार्य करते हैं। आज हालेलुया, आपका भी जीवन में ऐसा एक चमत्कार आप देखना चाहते हो, विश्वास करना, आपका सोच को बदलना ताकि परमेश्वर आपका जीवन में बड़ा बड़ा कार्य कर सके। 5,000 पुरुष वहां, वो सारे खाया, तृप्त हुआ और परमेश्वर का नाम को महिमा किया। हमारा सोच को बदलते हुए, हमारा मानसिकता को बदलते हुए हम बातें करना शुरू करना है आज से। आपने रिहर्सल करना है, आपने अभ्यास करना है। अगर कर में कोई हालेलुया कोई बातों में बोला है, आपने बोलना ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, चिंता ना करो, परमेश्वर सही करेंगे। परमेश्वर का समय पर वो अपना सब कुछ सही करेंगे। परमेश्वर रास्ता खोलेंगे, परमेश्वर चंगाई करेंगे, परमेश्वर छुटकारा देंगे, बड़ा बड़ा रास्ता करने वाला, ओ लाल समुद्र को 2 भाग करने वाला, योर्दान नदी को 2 भाग करने वाला, आशीष देने वाला, छुटकारा देने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया, वो जिंदा खुदा है। आज वो हमारा बीच में है, हमारा प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हमारा जीवन को बदलते हैं। क्या आप आज से आपका मानसिकता को बदलने के लिए तैयार है? अगर आप तैयार है, ये पूरा साल आपका जीवन में एक आशीष का साल होगा। आपने एक निर्णय ले, मैं एक निर्णय लेना है, मैंने निर्णय ले लिया है साल का शुरुआत में। साल में जैसे जब भी मैं बात करूं अच्छी बात कहूंगा, फालतू बातें मैं नहीं करूंगा, निराशा का बातें नहीं कहूंगा, नेगेटिव बातें नहीं कहूंगा, नेगेटिव बातें बोलने वालों के बीच में बैठूंगा नहीं। मेरा बहुत कुछ दोस्त है जो कुछ भी बोल दे बस नेगेटिव बातें बोल देते। मैं आस्ते आस्ते उन सब से मैंने आजाद पाया, उन सबको मैंने थोड़ा बहुत बाउंड्री सीमाएं उनका सामने किया है। भाई मैं कुछ विश्वास के साथ कुछ बोल रहा हूं, तू उसमें विश्वास ही नहीं कर रहा। मैं बोल रहा हूं कि मेरा कलीसिया में इतना लोग होगा, तुम बोल रहा ये कैसे होगा? नहीं, मैं तुम्हारा साथ ज्यादा इसी प्रकार नेगेटिव बातें सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं अच्छी बातें सुनना चाहता हूं, मैं सकारात्मक बातें सुनना चाहता हूं, क्योंकि मैंने मानसिकता को मैंने बदला है। भाइयों बहनों आप रिहर्सल करें, ऐसा लोगों के साथ दोस्ती बनाए जो हर समय परमेश्वर का वचन बोलते हैं, जो हर समय आपको उत्साहित करते हैं। शायद आपका पास्टर हो सकते हैं, शायद आपका कलीसिया में ऐसा कोई विश्वासी हो सकता है, उनका साथ आप दोस्ती बनाएं, उनका साथ बैठकर प्रार्थना करें, वो आपका जीवन को प्रभावित करेंगे, आपका लाइफस्टाइल को बदलेंगे, क्योंकि वो आत्मिकता में सकारात्मक मानसिकता में रहने वाला लोग है, उनका जीवन बदलते हैं। तो
हमने क्या करना है कि सबसे पहले बात हमने हमारा मानसिकता को बदलने का अभ्यास करना है। उसके बाद हम अपने आप को चित्रित करें, प्रार्थना करें और परमेश्वर का वादों को पूरा करने का घोषणा करें। उसके बाद हमने ऐसा पिक्चर देखना है अपने आपका बारे में। देखो ना, मैं अपना बारे में क्या, मेरा जो अभी का जो पद है, पोजीशन है, अभी का बातों का बारे में अभी हमने देखना नहीं है, हमने बहुत बड़ा पिक्चर देखना है। हमारा जीवन में मुसीबत होगा, परेशानी होगा, लेकिन हमने बोलना है हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर। पौलुस कहते हैं मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुझको सामर्थ्य देते हैं। आप उस बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आपका हरा हुआ फेल हुआ उस बिजनेस आप फिर से शुरू कर सकते हैं, आपका शायद फैमिली लाइफ शायद समस्या में है उसको भी आप बदल सकते हैं। आप ऐसा पिक्चर कर आपको देखना है आपका जीवन बदलते हुए। अगर आप अपने सेवकाई शुरू कर रहा है, आप बड़ा कलिशिया का तौर, पास्टर का तौर पर आपको देखना पड़ेगा। मैं कन्वेंशनों में प्रचार करता हूं और कुछ समय पहले, कुछ 25 साल पहले मैं ऐसा सपना देखता था, मैं ऐसा सपना में देखते थे मैं ऐसा प्रचार करते हुए, लेकिन आज परमेश्वर ने मुझको ऐसा किया। आज मैं और कुछ बारों के बारे में मैं सपना देखता हूं, जरूर मेरा जीवन में होगा। अपने बारे में आप अच्छा सोचें, अपना बारे अपना जीवन का जो सपना है, जो दर्शन है, और वो जिंदा रखें, उसको कभी भी आप दफनाना नहीं, जरूर वो दर्शन पूरा होगा। वो परमेश्वर का जो सपना आपने आपको दिया है, परमेश्वर जरूर पूरा करेगा। यूसुफ का जीवन में एक सपना था, परमेश्वर ने उसको पूरा किया है। हालेलुया। मूसा का जीवन में एक सपना था, इसराइलियों को छुड़कारा, परमेश्वर ने उसको पूरा किया। दानियल का जीवन में एक सपना था, मोर्देकाई और एस्तेर का जीवन में एक सपना था, परमेश्वर ने उसको पूरा किया। हालेलुया। अब्राहम का बारे में जीवन का बारे में एक सपना था, प्रभु ने उसको पूरा किया। आपका जीवन के बारे में परमेश्वर का वायदा है, बार बार आप अपने आप को बोलना, ये परमेश्वर का वायदा कुछ साल पहले परमेश्वर ने मुझको दिया था, परमेश्वर ने वायदा किया था, परमेश्वर का दासों के द्वारा, दर्शन के द्वारा, परमेश्वर का वचन के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर मुझसे बात किया था। मैं विश्वास करता हूं, मैं घोषणा करता हूं, ये मेरा जीवन में पूरा होगा ही होगा। जब ऐसा आप करते रहेंगे, आपका जीवन सफलता का ओर जाएंगे। उल्पत्ति का पुस्तक 15 अध्याय में हम देख सकते हैं अब्राहम के बारे में। आपको पता है अब्राहम जो परमेश्वर का आवाज सुनकर परमेश्वर का सेवा करने के लिए निकला था। उल्पत्ति 12 अध्याय में परमेश्वर कहते हैं, मेरा वचन के अनुसार अगर तुम निकल सकते हैं तो मैं तुमको एक बहुत बड़ा जाति बनाऊंगा, मैं तुमको आशीष दूंगा, तुम्हारा सीमाओं को मैं बढ़ाऊंगा, मैं तुमको आशीष दूंगा। आपको पता है, और परमेश्वर का वचन सुनकर अब्राहम निकला। उसके बाद हालेलुया परमेश्वर को क्या कहा, मैं तुमको बहुत बड़ा एक जाति बनाऊंगा, बहुत बड़ा संतान दूंगा, तुम्हारा सीमाओं को, तुम्हारे परिवार को मैं आशीष दूंगा। ये परमेश्वर का वायदा तो आया, लेकिन बहुत समय का बाद उल्पत्ति 15 अध्याय में एक बार परमेश्वर अब्राहम से मिलने आया। मिलने आने के बाद परमेश्वर से बातें करते करते अब्राहम पता है क्या बोल रहा है, प्रभु धन्यवाद, आपने मुझको सब कुछ दिया, मैंने सब कुछ पाया है, लेकिन मेरे पास कोई बच्चा है नहीं है। जो मेरे पास, जो मेरा रिश्तेदार है एलियासर, वो सब कुछ ले जाएंगे, मेरा जितना है वो सारे वो ले जाएंगे, अभी मेरे पास कोई बेटा बेटी है नहीं। आपको पता है परमेश्वर ने क्या किया, अब्राहम तंबू में बैठ रहा था, अब्राहम का हाथ पकड़कर परमेश्वर अब्राहम को तंबू से बाहर लेके आया। बाहर ले आकर परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, ऊपर आसमान में देख, इस तारों को देख, अगर गिनती कर सकता है तो गिनती कर ले, इसी प्रकार मैंने तुम्हारा वंश को बढ़ाएगा, मैं तुमको एक जाति बनाऊंगा, एक देश बनाऊंगा, क्यों मेरा वचन पर संदेह कर रहा है। देखो ना भाइयों बहनों, कुछ समय पहले अब्राहम को परमेश्वर कहा था, तुम्हारा अपना ही बेटा होगा, उसमें वंश आ जाएगा, उसमें बहुत बड़ा एक देश उत्पन्न होने जा रहा है। आज इसराइल देश, आज भी कितना सालों से इसराइल देश है, ये कहां से शुरू हुआ, अब्राहम से शुरू हुआ है। अब्राहम, इसहाक, याकूब से ये जो देश, ये जो 12 गोत्र, यहां से शुरू हुआ है। मेरा भाइयों बहनों, परमेश्वर का वायदा पूरा होगा ही होगा, लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं कि प्रभु ने तो वायदा दिया है लेकिन मेरा जीवन में कुछ हुआ नहीं। चिंता ना कर, परमेश्वर का समय पर वो जरूर परमेश्वर अपना कार्य करेंगे। आप परेशान मत हो जाएं,
अगर परमेश्वर ने कहा है कि आपको वहां भेज देंगे, आपके द्वारा ये सेवगाई होगा, आपका शादी इस साल में होगा, अगर परमेश्वर का वायदा आपका जीवन में है ऐसा ही होगा। आज मैं प्रार्थना करता हूं हमारा निराशा से, हमारा नेगेटिव बातों से, हमारे नकारात्मक बातों से, हमारा दुखित भरा हुआ बातों से हमारा हाथ पकड़कर परमेश्वर हमको बाहर ले आए, हमारा तंबू से परमेश्वर को बाहर ले आए, हमारा छोटी सीमा से, हमारा छोटी सोच से आज परमेश्वर हमको बाहर ले आए, हमको दिखाएं कि परमेश्वर का बहुत बड़ा वायदा आसमान को और देख। अगर गिनती कर सकते हो तो गिनती कर भाइयों बहनों, आज का परिस्थिति बदल जाएगा, आज का आपका जो समस्या है वो निकल जाएगा, आपका जो कर्ज है वो भी सही हो जाएगा, परमेश्वर आपका जीवन में बड़ा चमत्कार करेगा। लेकिन आपको सबसे पहले आपका विश्वास करना पड़ेगा, आपका सोच को बदलना पड़ेगा, आपको परमेश्वर का वचन बोलने का अभ्यास रिहर्सल करना पड़ेगा, तब ये सारे काम होगा। क्या आप विश्वास करना चाहते हैं, आज अपना जीवन आज बदलना चाहते हैं? अगर ऐसा है प्रभु आपका जीवन में बड़ा बड़ा कार्य करने वाला परमेश्वर है। अब्राहम का जीवन में देखो, परमेश्वर का समय पर इसहाक अब्राहम का घर में आया, इसहाक के द्वारा परमेश्वर का वचन पूरा हुआ है। आज नहीं तो कल मेरे भाइयों बहनों आपका भी जीवन में परमेश्वर का ऐसा वायदा ऐसा वचन पूरा होगा, पूरा होगा, पूरा होगा, यीशु का नाम में पूरा होगा, क्योंकि वो वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आज हालेलुया हमारा मानसिकता को हम बदलने के लिए तैयार हो जाएं। 2023 में परमेश्वर हमको आशीष देंगे, हमारा सीमाओं को बढ़ाएंगे, हमारा इच्छाओं को पूरा करेंगे, हमारा जीवन में बड़ा बड़ा कार्य करेंगे, निंदा करने वाला दोष लगाने वालों के सामने परमेश्वर हमको खड़ा करेंगे। लेकिन हमको उसी बात को अंगीकार करना है, विश्वास करना है, हमारा मानसिकता को बदलना है, परमेश्वर का साथ खड़ा होना है। आज हमारा जीवन को प्रभु बदलना चाहते हैं, बस प्रभु इतना ही चाहते हैं, तुम्हारा सोच को बदलो, मुझको काम करने के लिए अनुमति दे, मुझको काम करने के लिए रास्ता तू अपना जीवन में तैयार कर, तुम्हारा मन में तैयार कर। आपको पता है शैतान सबसे ज्यादा हमारा कहां काम करते हैं? हमारा मन में। बस बुरी बातों को ले आते हैं, पाप की बातों को ले आती है, और वो नकारात्मक बातें शैतान ले आते हैं। ये सारे बातें परमेश्वर नहीं ले आते हैं, ये सारे बातें शैतान ले आते हैं। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? शैतान को नो कहना है, बाय बाय कहना है, परमेश्वर का वचन को विश्वास करना है। क्या आप पाप का बंधन में फंसा हुआ है? क्या आप शराब का बंधन में फंसा हुआ है? आप शायद सोच रहे होगा आपका मन में, मैं तो छुटकारा पाना चाहता हूं। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है, आपको जीवन को बदलना चाहते हैं, वो आपका जीवन को आशीष देना चाहते हैं, आपका जीवन में एक बहुत बड़ा छुटकारा करना चाहते हैं। लेकिन आप अपने आप को प्रभु का हाथ में देना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा प्रभु यीशु मुझको क्षमा कर, मेरा पापों को क्षमा कर, मेरा नकारात्मक सारे बातों को क्षमा कर, आज मेरा जीवन में आपका हाथ में समर्पण करना चाहता। क्या आप एक प्रार्थना ऐसा करना चाहते हैं? शायद बहुत समय पहले आप चर्च में जाते थे, प्रार्थना करते थे, लेकिन अब नहीं जा पा रहा है। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है, आपका जीवन प्रभु के हाथ में देने के लिए क्या आप तैयार है? मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। इस साल परमेश्वर आपका जीवन में बहुत बड़ा कार्य करेंगे, इस साल परमेश्वर आपका जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करेंगे, इस साल परमेश्वर का महिमा आप देखेंगे। मेरे साथ आंखों को बंद करें, हाथों को जोड़ें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद और स्तुति करते हैं इस समय के लिए। आज मेरा भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, माता पिताओं के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, उन सबको आशीष दे, बरकत दे, उन सबका जीवन में आपका महिमा को प्रकट कर परमेश्वर, उन सबका जीवन में प्रभु आपका चमत्कार को तू कर। हालेलुया प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं इस आज से इनका जीवन में एक सकारात्मक मानसिकता पैदा कर परमेश्वर। आज से हालेलुया प्रभु आपका वचन के ऊपर विश्वास करने के लिए, आपका वायदों को पर विश्वास करने के लिए, वो सारे बातें पूरा होते हुए देखने के लिए उनको मात्र सहायता कर। मेरा सारे भाइयों को, बहनों को, मेरा सारे परिवारों को प्रभु आपका हाथ में समाते हैं, सबको आशीषित करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपने हमारा प्रार्थना को सुना, हम सबको आशीष दिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। प्रभु हम सबको आशीष दें। जय मसीह की।